इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जौनपुर ताजिया को लेकर हंगामा, सैकड़ों शिया मुसलमान पहुंचे कोतवाली का घेराव किया, पुलिस के खिलाफ किनारेबाजी, एसआई पर लगाया मुहर्रम के दौरान ताजिया की बेअदबी का आरोप। शिया मुसलमानों का इल्जाम, जौनपुर के शाहगंज में एसआई ने घर में घुसकर ताजिया तोड़ा, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, जिस मकान में ताजिया रखा था उसमें ताला लगाया। जौनपुर में शिया मुसलमानों का ऐलान, अगर ताजिया की बेअदबी करने वाले दारोगा पर कार्रवाई नहीं हुई तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे, अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, ताजिया के साथ की गई बेहरबती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इंस्ट्रक्टर को सस्पेंड किया जाए। प्रतापगढ़ के कुंडा में माहौल खराब करने की कोशिश, टीपी इंटर कॉलेज की दीवार पर लगाई गई भड़काऊ बयान वाली होर्डिंग्स, बैनर पर अकबरुद्दीन ओवैसी, जाकिर नाइक, कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती की तस्वीर। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हटाई भड़काऊ होर्डिंग्स, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, आपत्तिजनक होर्डिंग्स लगाने वाले शरारती तत्वों की तलाश में जुटी पुलिस। बरेली में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने, परिजनों ने आरोप लगाया, मुसलमान परिवार ने लड़की का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण करवाया। 5 अगस्त से लापता छात्रा का पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा सकी, आरोप है कि छात्रा के परिजनों पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कानपुर में मुस्लिम युवक की पिटाई को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भेजा पुलिस कमिश्नर को नोटिस, 72 घंटे में मांगी रिपोर्ट। अल्पसंख्यक आयोग ने पुलिस कमिश्नर से पीड़ित शख्स की बच्ची की मानसिक दशा पर मांगी रिपोर्ट, पूछा बच्ची का कोई बयान दर्ज किया गया या नहीं। आयोग ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से पूछा, जिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भीड़ ने की पिटाई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा। कानपुर की घटना को लेकर AIMIM की सियासत जारी, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची पार्टी की कानपुर महिला अध्यक्ष रिया सिद्दीकी, परिवार को आर्थिक मदद की, आरोपियों पर NSA लगाने की मांग। झांसी में महिला के साथ दारोगा की बदसलूकी कैमरे में कैद, शिकायत दर्ज करने की मांग को लेकर प्रेमनगर थाने पहुंची महिला को इंस्पेक्टर ने धक्का देकर जमीन पर गिराया। जमीनी विवाद को लेकर सुनवाई न होने पर थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी महिलाएं, वीडियो बनाए जाने से तिलमिलाए दारोगा संदीप यादव ने महिलाओं के साथ की धक्का मुक्की, दारोगा पर इससे पहले भी लग चुके हैं बदसलूकी के आरोप। दारोगा का वीडियो वायरल होने के बाद झांसी के SSP शिवहरि बीड़ा ने संदीप यादव को किया सस्पेंड, पुलिस के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने आई महिलाओं ने लेडी कांस्टेबल से बदतमीजी की, मामले की जांच जारी। एटा में 3 महीने की मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार, खिलाने के बहाने ले गए पड़ोसी ने बच्ची से किया दुष्कर्म, मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मेरठ में 2 युवतियों के शव नाले में मिलने से हड़कंप, पुलिस ने डेड बॉडी का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, शवों की नहीं हो पाई शिकायत। मृतक लड़कियों की उम्र 25 से 28 वर्ष के बीच, 4 से 5 दिन में ही पानी में पड़े थे शव, एक युवती के सिर पर और दूसरी के चेस्ट पर चोट के निशान। नोएडा में पुलिस और बदमाशों का एनकाउंटर, मुठभेड़ में ओमवीर बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरा बदमाश राहुल कॉम्बिंग में गिरफ्तार, 50 पेटी शराब और अवैध हथियार बरामद। नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड बदमाश अंकुर की 5 गाड़ियों को सीज किया, गाड़ियों की कीमत करीब 86 लाख रूपये। शराब माफिया पर अलीगढ़ पुलिस का एक्शन, नीरज चौधरी की करीब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की जब्ती, कुर्की से पहले ढोल बजाकर की मुनादी। सीएम योगी के खिलाफ विधानसभा में ताल ठोकेंगे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, अमिताभ ठाकुर ने कहा 2022 में योगी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ खड़े होंगे। अमिताभ ठाकुर ने कहा सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ के राज में तमाम तरह का लोकतांत्रिक और दमनकारी काम हुआ, लोगों का उत्पीड़न करने के लिए बनाई गई नीतियां। यूपी में जारी है बाढ़ का कहर, 24 जिलों में करीब 1200 गांव डूबे, संकट में 5 लाख से ज्यादा जिंदगी, कई जिलों में कम हुआ नदियों का जलस्तर लेकिन संकट बरकरार। प्रयागराज में घटना शुरू हुआ, गंगा और यमुना का जलस्तर लेकिन सैकड़ों मकान अभी भी जलमग्न, पानी निकालने के बाद नजर आए बर्बादी के निशान, बाढ़ की वजह से धंसे कई घर, लोगों को रहने में आ रही दुश्वारियां, सरकार से लगाई मदद की गुहार। बलरामपुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी नाले उफान पर, कई इलाकों में सड़कों पर तेज गति से बह रहा पानी, बाइक सवार एक युवक सड़क पार करते समय पानी के तेज बहाव में अचानक बहने लगा, ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर मुश्किल से युवक को बचाया। इटावा में भी बाढ़ का कहर, घरों में घुसा चंबल नदी का पानी, शमशान घाट में पनाह लेने को मजबूर हुआ परिवार। इटावा के शमशान में रह रहे परिवार से मिले सांसद रमाशंकर कटेरिया, कहा परिवार के लिए घर बनवाने की व्यवस्था करेंगे, बाढ़ में बह गया था घर। सीएम योगी ने किया बलिया के बाढ़ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे, हेलीकॉप्टर से लिया तबाही का जायजा।
सीएम योगी ने बलिया में बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटी राहत सामग्री। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नोडल अधिकारी की तैनाती के निर्देश दिए। कहा, सक्रिय रहें, समर्पित रहें। योगी ने अधिकारियों से कहा, बाढ़ में जिन किसानों की फसल तबाह हुई उनके नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करें। लोगों की मदद के लिए पुलिस प्रशासन रहे मुस्तैद। यूपी में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 42 नए केस। एक दिन में 64 मरीज अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे। प्रदेश में कोविड के अब सिर्फ 446 एक्टिव केस। अलीगढ़, अमेठी, बलिया समेत यूपी के 15 जिले पूरी तरह से कोरोना फ्री। 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 49 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं मिला। 26 जिलों में 10 से कम केस मिले। 24 घंटे के अंदर यूपी के 7,24,000 से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। अब तक 5,70,00,000 से ज्यादा का हो चुका है टीकाकरण। गोंडा में दूसरे दिन भी शॉपिंग मॉल में खरीदारी के लिए जनसैलाब उमड़ा। कोविड नियमों का हुआ उल्लंघन। मॉल में हर सामान पर 75% की छूट की वजह से लोगों की लगी भीड़। यूपी में 16 अगस्त से खुलेंगे कक्षा 9वीं और 12वीं तक के स्कूल। मुरादाबाद में स्कूल खोलने से पहले किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। स्कूलों को 2 शिफ्ट में खोला जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 8 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट 12:30 से 4:30 बजे तक होगी। मास्क, थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की होगी सुविधा। स्कूल खुलने की वजह से व्यापारियों ने ली राहत की सांस। दुकानदारों को उम्मीद, स्कूल खुलने से बढ़ेगी बिकेगी यूनिफॉर्म, वाटर बॉटल, टिफिन की बिक्री। मुरादाबाद में जश्न आजादी की तैयारी। कोरोना की वजह से 2 साल स्वतंत्रता दिवस नहीं मना पाए। स्थानीय लोगों में उत्साह। तिरंगे से जुड़े सामानों की बिक्री बढ़ी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखनऊ में मिठाइयों को दिया गया तिरंगे का रूप। दुकानदारों ने तिरंगे के रंग में बनाई मिठाइयां। अलीगढ़ में भी छाई तिरंगे वाली मिठाइयां। स्वतंत्रता दिवस से पहले ट्राई कलर स्वीट्स की बढ़ी बिक्री। तिरंगे की रोशनी में नहाया गोरखपुर रेलवे स्टेशन। स्वतंत्रता दिवस के लिए तिरंगे की लाइटों में सजाया गया। गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। अस्पताल में रेडिएशन का दुष्प्रभाव कम करने वाली मशीन का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा, पूर्वी यूपी में कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति देने के लिए नए युग की शुरुआत हुई। देश के अंदर हर नागरिक के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू हुई। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुन समाधान का आश्वासन दिया। आज से बरेली और बेंगलुरु के बीच भी शुरू हुई हवाई सेवा। दिल्ली के लिए भी अब बरेली से हर दिन मिलेगी फ्लाइट। मुंबई के लिए 4 दिन सीधी और 3 दिन वाया बेंगलुरु उड़ान उपलब्ध होगी। आज से शनिवार को भी ताजमहल का दीदार कर सकेंगे सैलानी। व्यापारिक संगठनों ने लॉकडाउन में दी गई ढील का स्वागत किया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।